हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल आपने पढ़ा होगा, तो एसक्यूएल में क्वेरी लगानी है जो कि हम एक्सेस के अंदर ही सीखेंगे इसको, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसका की नाम क्या है, मूवी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकॉर्ड एंटर्ड भी हुए हैं यहाँ पर मूवी टेबल में। ये मूवी आईडी है, ये मूवी नेम है, कैटेगरी है, रिलीज डेट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है यहाँ पे और बिजनेस कॉस्ट है। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहली क्वेरी देख सकते हैं, बड़ी सिंपल सी है और यहाँ पे डेटा टाइप भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर जो मूवी आईडी है ना, इसका जो डेटा टाइप है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर यहाँ पे मूवी नेम सबका डेटा टाइप एक एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो टेबल मेरे पास है उस टेबल पे आते हैं और यहाँ पर सबका डेटा टाइप आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवी आईडी को प्राइमरी की बनाया है जिसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। अब आप कहेंगे शॉर्ट टेक्स्ट क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रखते, नंबर रख देते तो दिक्कत क्या होती, दिक्कत ये होती कि हम आगे 00 ऐड नहीं कर पाते या आगे 0 ऐड नहीं कर पाते, तो इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, ठीक है। अगर आप 2007 यूज करते होंगे तो वहां सिर्फ टेक्स्ट ही मिलेगा आपको, बाकी मूवी नेम तो टेक्स्ट ही रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट रखा है यहाँ पे और कैटेगरी भी शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। यहाँ पे रिलीज डेट तो आपको एक डेट नाम का डेटा टाइप मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डेट एंड टाइम दिख रहा है लेकिन आपको एक डेट नाम का डेटा टाइप मिलेगा एसक्यूएल में, आप केवल यहाँ पे डेट का यूज करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट करेंसी है, बिजनेस कॉस्ट करेंसी है। तो ये जो है डेटा टाइप मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डेटा टाइप इसमें रखे गए हैं। अब वापिस आ जाते हैं उसी टेबल पर, इस टेबल का नाम क्या दे दिया गया, मूवी नाम दे दिया गया। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे मूवी लिखा भी होगा। अब पहला जो क्वेरी है हमारा वो कह रहा है डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट मूवी टेबल, यानी कि जो मूवी नाम की टेबल है इसमें सभी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है। तो आइए चलते हैं देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारी टेबल है, इसको आप देख ही सकते हैं यहां पर। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पे चलेंगे और यहां से चलेंगे क्वेरी डिजाइन पर और यहां पर एसक्यूएल पर चले चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है ये ध्यान से समझना है, क्योंकि सारी क्वेरी यहीं पर हमें लगानी है, ठीक है। तो यहां पर क्वेरी लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर लिखना है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां लिख दीजिए सेलेक्ट SELECT, ध्यान से देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट मूवी टेबल, यानी ये जो टेबल है ये पूरी टेबल में जो इंफॉर्मेशन है सब कुछ जो है ये पूरा टेबल ही डिस्प्ले होना चाहिए। बहुत आसान सी क्वेरी है, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। सेलेक्ट लिखा, एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई वाला साइन लगाइएगा, ये मिलेगा आपको अल्फा न्यूमेरिक की 8 नंबर बटन पे मिल जाता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के लगा दीजिएगा, ठीक है। और फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है मूवी, तो यहां पे लिख दीजिएगा MOVIE मूवी। बस पहली क्वेरी हो गई, एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां पे टर्मिनेशन दे दीजिएगा जैसे मैंने दिया है। अब इसको रन कराने की बारी है, तो यहां पे रन कराएंगे तो वही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में आया होगा कि ये क्वेरी कैसे लगाएंगे। तो ये तो पहली क्वेरी थी, लेकिन अब जो है थोड़ा यहां पे कठिनाई होगा, ये तो पहली क्वेरी है तो क्वेरी वन के ही नाम से इसको हम सेव कर देते हैं, ये क्वेरी वन हो गई आपकी, ठीक है। अब हम दूसरी क्वेरी लगाएंगे, यानी दूसरी क्वेरी दूसरा सवाल क्या है हमारा, आइए देखते हैं। यहां पे दिया गया लिस्ट बिजनेस डन बाय मूवी शोइंग ओनली मूवी आईडी मूवी नेम, मतलब क्या क्या आपको शो कराना है, कह रहा है लिस्ट बिजनेस डन बाय। अब देखिए इसमें कौन सा डन हुआ है कौन सा नहीं डन हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये यहां पर देखिए ध्यान से जरा, यहां पर ये 005 तेलुगु मूवी एक्शन है और यहां पर रिलीज डेट है ही नहीं, ठीक है। यहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट जरूर लिखा हुआ है लेकिन यहां पे बिजनेस कॉस्ट तो है ही नहीं, तो यहां पर कुछ चीजें मिसिंग है। तो ये तो डन हुआ नहीं है, ये नहीं डन हुआ है, और दूसरा ये 006 वाला पंजाबी मूवी कॉमेडी है लेकिन इसकी रिलीज डेट लिखी ही नहीं हुई है और बिजनेस कॉस्ट भी आया नहीं है यहां पर, तो यानी कि ये दो डन नहीं हुई है। तो बाकी के नेम हमें डिस्प्ले कराने हैं किसके साथ, यहाँ पे देखिए मूवी आईडी मूवी नेम और टोटल अर्निंग के साथ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसकी क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है क्वेरी, आइए देखते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं और फिर यहां से क्रिएट पे चलते हैं, फिर क्वेरी डिजाइन पे आते हैं और यहां से पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट रहने देते हैं, बाकी की चीजें हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया सेलेक्ट, और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मूवी आईडी, क्योंकि हमको मूवी आईडी देखनी है ना, तो यहां पे मूवी
अंडरस्कोर आईडी लगा देंगे। ये ध्यान देना है आपको कि आपने यहां पर कैसे मूवी आईडी लिखा है, तो मूवी अंडरस्कोर स्मॉल में आईडी, क्लियर। तो बस यही करना है, तो अंडरस्कोर लगा के आईडी लिख दीजिए, ये काम हो गया। अब क्या करना है, कॉमा लगाना है। इसके बाद हमें मूवी नेम भी तो देना है, क्योंकि सवाल में मूवी नेम भी है। तो यहां पर आप देखिएगा, तो मूवी आईडी के बाद आपको दिखेगा मूवी नेम। यहां पे देखिए मूवी नेम भी आ रहा है यहां पर, ये देखिए यहां पर, ठीक है। तो अभी हमें मूवी नेम भी देना है यहां पर, तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगा करके मूवी नेम दे देते हैं, एम ओ वी आई ई, मूवी अंडरस्कोर नेम, एन ए एम ई। तो मूवी नेम भी हम कर देंगे यहां पर, लेकिन आप देखेंगे तो यहां पर मूवी नेम किस तरीके से लिखा गया, बिल्कुल वैसे ही हमें लिखना है, तो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो अंडरस्कोर तो लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वहां पे जबकि हमने टेबल बनाया है तो मूवी नेम में अंडरस्कोर नहीं दिया है, और स्पेलिंग भी मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। अब कॉमा लगा दीजिए। अब कोई और भी चीज देनी है तो ये हमें सवाल में देखना होगा, क्वेश्चन में देखना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना, एंड टोटल अर्निंग टू बी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये कह रहा है, तो ये कैसे आएगा, तो ये भी आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान है, पहले तो हम क्या करते हैं, इसी को डिस्प्ले कराते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं हम, यहां पे दे देंगे क्या, बिजनेस कॉस्ट, ठीक है, बिजनेस कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट ही पूछ रहा है ये हमसे, तो हम यहां पे टोटल अर्निंग तो बिजनेस कॉस्ट ही हुई हमारी ना, तो यही तो हमारी टोटल अर्निंग है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे कॉमा दे करके, क्या लिखेंगे, चूंकि हमको बिजनेस कॉस्ट यहां पे दिखाना है, तो यहां पे दे देंगे बिजनेस कॉस्ट, क्या दे देंगे, बिजनेस कॉस्ट, यही हमारी टोटल अर्निंग है। तो बिजनेस और कॉस्ट जैसे लिखा हुआ है वहां पर टेबल में वैसे ही देना है। तो देखिए बिजनेस और कॉस्ट के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो हम भी वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया बिजनेस और ये हो गया कॉस्ट, बस हो गया काम, यहाँ पे टर्मिनेट आप कर दीजिए, ठीक है। और टर्मिनेट जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इससे भी पहले ये टेबल कहां से, ये किस टेबल से आएगा वो दे दीजिएगा। तो यहाँ फ्रॉम मूवी नाम की टेबल है, वहीं से आएगा, तो ये मूवी हमने दे दिया और यहां से टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेट करके यहां से इसे चलाएंगे। तो पहले तो इस टेबल को क्लोज करेंगे सेव करके, और देन इसको चलाएंगे। तो चलाएंगे तो क्या होगा, यहां से इसको रन पे क्लिक कर देंगे, लेकिन यहां पे देखिए मूवियर आईडी हो गया, यहां पे आर भी आ गया है, तो ये आर हटा लीजिएगा आप, गलती ये सब मत कीजिएगा। अब जब चलाएंगे तो ये चल जाएगा, क्वेरी सक्सेसफुल रन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि सब कुछ यहां पर आपको डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जो क्वेरी है वो क्या है, तो पहले तो इसको सेव करते हैं, ये क्वेरी टू हो गई हमारी, ठीक है। अब क्वेरी थ्री की बात करेंगे, तो इसको क्लोज कर देते हैं क्वेरी टू को। क्वेरी थ्री क्या कह रहा है, तो क्वेरी थ्री कह रहा है ना सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या कह रहा है, सेलेक्ट, यहां पे देखना होगा क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए कह रहा है लिस्ट द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवीज, ठीक है, कह रहा है लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मूवीज। तो मूवीज की कितनी कैटेगरीज हैं, जरा देखिए यहां पे हिंदी मूवी है, तमिल मूवी है, इंग्लिश मूवी है, बंगाली मूवी है, तेलुगु मूवी है, पंजाबी मूवी है, ठीक है। तो सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी ही हमें डिस्प्ले करानी है, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है कि कोई कैटेगरी रिपीट ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, बड़ा आसान है। यहां पर क्रिएट पे चल के वापस से क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, और यहां पर एसक्यूएल पे चले चलते हैं, और अब हम वो जो है क्वेरी लगा लेते हैं। बहुत आसान सी क्वेरी है, सबसे पहले यहां लिखेंगे सेलेक्ट, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहां लिख देंगे डिस्टिंक्ट। तो कई बार ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर कैपिटल स्मॉल, तो यहाँ डिस्टिंक्ट लिखिएगा, तो कैपिटल या स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये कीवर्ड है जो केवल डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ही हमें निकाल करके देता है। अब यहां पे क्या करिएगा, कैटेगरी, तो यहां पे कैटेगरी दे दिया हमने कैटेगरी, ठीक है। और कहां से आएगा ये, तो फ्रॉम मूवी नाम के टेबल से आएगा, तो यहां पे एम ओ वी आई ई, ये हो गया मूवी, ठीक है। और यहां पे टर्मिनेशन दे देंगे हम, जब टर्मिनेशन दे देंगे तो ये काम हो गया है, यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सारे मूवीज की कैटेगरी आ गई है, देखिए कैटेगरी, यहां पर गलती से मूवी नेम की बात हो गई, कैटेगरी में म्यूजिकल है, एक्शन है, हॉरर है, एडवेंचर है, और एक्शन रिपीटेड है, दो बार है एक्शन ना, देखिए यहाँ पे एक्शन दो बार है, ठीक है। तो क्या ये दो बार आया है हमारे क्वेरी में, नहीं, एक ही बार आया है, एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, हॉरर और म्यूजिकल, सारी चीजें एक एक बार आई हैं, तो यही डिस्टिंक्ट का मतलब होता है। अगली क्वेरी देख लेते हैं एक बार यहां पर आकर के। अब ये कह रहा है ना फाइंड द नेट प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी शोइंग इट्स प्रॉफिट ऑफ ईच मूवी शोइंग इट्स आईडी नेम एंड नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। तो यहां पे नेट प्रॉफिट, और फिर कह रहा है टू बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन
बिजनेस कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो अब हम इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं। इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये क्वेरी थर्ड को सेव करके और क्लोज कर देते हैं, और ये टेबल भी क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद वापस से एक नई क्वेरी बना लेते हैं क्वेरी डिजाइन पे जाके, एसक्यूएल पे जाकर के। और यहाँ पर अब हमको चौथी क्वेरी लिखनी है, तो हमको क्या क्या सेलेक्ट करना है। पहले तो हमें सेलेक्ट करना है मूवी आईडी, देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आया हुआ है ना, तो इट्स आईडी, तो आईडी चाहिए ही, मूवी आईडी चाहिए ही, मूवी नेम चाहिए ही। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, मूवी आईडी और मूवी नेम एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा, लिखूंगा सेलेक्ट एम ओ वी आई ई मूवी और आईडी, लेकिन मूवी आईडी लिखा कैसे हुआ ये देखना पड़ेगा हमें। तो यहां पर आकर के मूवी अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही देना है, ठीक है। तो मूवी हो गया, अंडरस्कोर आईडी लगा दीजिए, ठीक है। और फिर क्या है, तो फिर है बेटा क्या है, मूवी नेम है, ठीक है। तो एम ओ वी आई ई मूवी और फिर नेम, तो मूवी और नेम के बीच में क्या गैप है, अंडरस्कोर है क्या है ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई गैप या अंडरस्कोर नहीं है, तो आप भी वैसे ही लिख दीजिए मूवी नेम, ये हो गया। जब इतना हो जाएगा, जब इतना हो जाएगा तो कॉमा लगाइएगा और यहां पे दे दीजिएगा बिजनेस कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया बिजनेस, ठीक है, और यहां पे लिख दीजिए कॉस्ट सी ओ एस टी, ये हो गया। और फिर क्या करिएगा, यहां से माइनस कर दीजिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट को, माइनस करिए पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन प्रोडक्शन कॉस्ट सी ओ एस टी, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस हो गया। और यहां पर इसे नाम क्या दे देते हैं, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहां पे दिया गया है नेट प्रॉफिट्स टू बी कैलकुलेटेड, इसको एक नाम दे देते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए ये नाम दे देते हैं इसको, यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने लिख ही दिया है, देख ही सकते हैं आप। अब इसको एक नाम दे देते हैं एज नेट एन ई टी नेट, और ऐसे लिख देते हैं प्रॉफिट बिना गैप के, ठीक है। शायद इस वजह से कि यहां पर हमने टेबल का नाम नहीं दिया, तो यहां पे ये देना मत भूलिएगा फ्रॉम मूवी, यही हमारे टेबल का नाम है ना, तो मूवी दे दिया। अब यहां पर इसको टर्मिनेट कर दीजिए, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अगर आप नाम नहीं देंगे तो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से जाकर के आप क्वेरी डिजाइन पे जाकर के इसको रन करवा दीजिएगा, तो सब कुछ आ गया, सारा डिटेल आ गया, देख सकते हैं ना, ये नेट प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेरीज सॉल्व करनी है, ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपको। अगर आपसे आपके टीचर कहते हैं प्रैक्टिकली करके दिखाइए, तो आप प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। सेम यही फंडा लागू होगा एसक्यूएल सर्वर में और माई एसक्यूएल में, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर अगर आप बेस डेटाबेस यूज करते हैं तो भी इसमें सेम फंडा लागू होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।